बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए जनता चुनेगी विधायक। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज में। वहीं आपको बताते चले कि राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने जहाँ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी पीछे नहीं। जहाँ आपको बता दें कि बरौनी विधानसभा से कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और बताया कि जनता के लिए वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले। जहाँ हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और जाना कि किन मुद्दों और एजेंडों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जीतने के बाद विधानसभा का विकास किस तरह से करेंगे। देखिए विशेष रिपोर्ट। हमारा टाइम्स न्यूज है। बिहार के गोपालगंज जिला बरौली विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी वसीम अकरम जी से बातें करें, आइए। जनता के जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और रही बात मैं क्या कर सकता हूँ बरौली की, तो जहाँ पे जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ, ये सुभानी टोला गांव है। और मैं देख रहा हूँ कि जब से आदमी पैदा हुआ है, तब से देख रहा है कि बिहार में और ख़ासतौर बरौली में बाढ़ आता है। अभी 3 मरतबा बाढ़ आके 2 महीने के अंदर ये पूरे गाँव के लोग जिस तरह परेशान हुए हैं, जिस तरह पानी से पूरे लोगों के घर द्वार डूब गए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं था। जो आदमी खुददार है, किसी से मांग नहीं सकता, वो भी दूसरे के भरोसे अपने हाथ फैला के खड़ा हुआ था। ये देख के आत्मा को बहुत दुख होता है। और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि अगर मैं चुनाव जीत गया, तो चुनाव जीतने के बाद जब विधानसभा में पहली बार मैं जाऊँगा, तो सबसे पहला मेरा मांग यही होगा कि इस बांध को पक्की तरह से बांध को बनवाया जाए और बनवा कर इसको पक्काकरण किया जाए, ताकि जो कि यहाँ के लोग हैं वो बाढ़ से परेशान ना हो, खुशहाल अपनी ज़िंदगी जिए। क्योंकि यहाँ के जो विधायक रहे हैं या जो उससे पहले भी रहे हैं, जो सरकारें रही है, इस बांध के बारे में सोचती नहीं है। वो सिर्फ इतना जानती है कि बांध टूटेगा, पैसा आएगा, चुनाव जीतेंगे, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा नंबर सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों के पास रोजगार नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो मैं आपसे माध्यम से, इस टीवी हंगामा टाइम्स के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर बरौली की जनता मुझे मौका देती है, तो मैं चुनाव जीतने के बाद हर एक पंचायत में लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था स्थापित करेंगे। ये मेरा सबसे प्रथम लक्ष्य होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों के लिए मैं करना चाहता हूँ। जैसे आज ही ये चाची मुझे बता रही थी, यहाँ पे जब इस मैं गांव में आया, तो इनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है और इनका घर, इनका हालात देखकर कोई कह नहीं सकता है कि इनको राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये करप्शन हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, बड़े बड़े लोगों का राशन कार्ड बन जा रहा है, उनको इंदिरा जो प्रधानमंत्री आवास है उससे पैसा मिल जा रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं इससे महरूम हैं, उनको ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले सिस्टम में आने के बाद से जो यहाँ पे भ्रष्टाचार जो चरम पे है, इसको रोका जाएगा और बांध को अच्छी तरह से बनवाया जाएगा और सबको रोजगार देने की व्यवस्था किया जाएगा। रवा लो के आपकी पार कौन सा सरकार चाहता नहीं लो? कौन सरकार चाहता है? ना लालू के चाहिए, ना नीतीश चाहिए। कौ प्लेट पर वोट दिया? नया चेहरा देखे के चाहता नहीं? हाँ, नया चेहरा देखे। नया चेहरा में केकरा के वोट देम लो बरौली विधानसभा से? कौ प्लेट पर।